नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये मशीन में सारा चीज़ फिट कर लिया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फिट किस प्रकार से हुआ है और आपको भी ये दिखाना चाहता हूं। और इसमें कॉइल बांध कर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से हमारा बनता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन आपको दिखाता हूँ कि मैं आरओ का मोटर का कनेक्शन कैसे किया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इस प्रकार से कनेक्शन किया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 6 पोल का DPDT स्विच है जो मैं लगाया हूँ और कोई अदर स्विच इसमें नहीं लगाया हूँ। और जैसे मेरा पहले वायर जाता था उसी प्रकार से हमारा वायर यहाँ से जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये हम इसमें 24 वोल्ट का सप्लाई भी लगा चुके हैं और ये हमारा काउंटिंग मीटर भी काम करेगा। तो चलिए, मैं इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कॉइल अब बांध के आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा कितना बढ़िया काम कर रहा है। और आप वीडियो देख कर ही बता सकते हैं कि ये हमारा मशीन सही है या गलत है। दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो पहले हाथ से इसमें हमको बनाना पड़ता था और ये इलेक्ट्रिक से अब चलेगा और काफ़ी स्पीड में ये चलता है और ये करीब आधे मिनट में ही हमारा एक कॉइल भर जाता है। तो चलिए, ये कहने का ज़रूरत नहीं है, दिखाने का ज़रूरत है। मैं अब इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये एडेप्टर में मैं सप्लाई दे दिया हूँ और ये हमारा अभी खाली है स्टेटर। तो मैं आपको इसमें भर कर दिखलाता हूँ। और थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, साथ में आपको कॉइल बांध कर भी दिखाऊंगा ताकि ये डाउट ना रहे कि मैं कोई फर्जी वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको अब इसमें वायर को डालकर दिखाता हूँ। और आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी हाथ से घुमा रहा हूँ और इसमें देख सकते हैं हैंडल नहीं लगा हुआ है। मैं आपको इसी प्रकार से दिखा रहा हूँ। अब मैं ये स्विच को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा किस प्रकार से बन रहा है। ये मैं आप देख सकते हैं, ये हमारा काउंटिंग भी चल रहा है। दोस्तों, मैं इसे ऑफ कर लिया हूँ क्योंकि मैं मीटर को जीरो कर आपको नहीं दिखाया हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन कॉइल बनता है इससे, और मैं आपको दिखाता हूँ कोई और कॉइल बनाकर। दोस्तों, मैं दूसरा कॉइल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं हमारा मीटर भी काम कर रहा है, अभी जीरो है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने कम समय में ये हमारा कॉइल को भर देता है। तो मैं अब स्विच को ऑन करता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉइल भर चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा कॉइल कितना बढ़िया बना है। और मीटर में भी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 350 टन कुछ सेकंड में ये पूरा कर देता है। तो दोस्तों, पहले हमको एक सीलिंग फैन वाइंडिंग करने में 2 घंटा समय लग जाता था और अब हमारा ये मोटर फिट करने से ये समय की बचत हो जाएगी। ये हमारा अब 1 घंटा में ये पूरा ऊपर नीचे का कॉइल हमारा बन जाएगा। और काफ़ी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन हमारा कॉइल बना है। मैं इसमें अभी अल्मीनियम वायर से आपको डेमो दिखा रहा हूँ, क्योंकि कॉपर वायर हमको ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है उसको यूज करने में, इसीलिए मैं अभी एल्युमिनियम का वायर इसमें आपको दिखा रहा हूँ बांधकर। अगर आप भी मशीन नया नया बनाए हैं तो आप एल्युमिनियम का ही वायर यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में इसका और भी बेहतरीन तरीका आपको दिखाऊंगा कि हमारा किस तरह से कॉइल बन रहा है। और आप देख सकते हैं, ये हमारा चैन जो टाइमिंग चैन लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है। 2 लगाने का कारण है कि ये हमारा ये जो भाग पिछले वीडियो में मैं बताया था, ये जो भाग है हमारा, ये भाग भी हमारा काम करेगा। क्योंकि जब मशीन चलेगा तो यहाँ पे हमारा मिक्सर का फील्ड कॉइल और 1 एम्पियर तक ट्रांसफार्मर हम ये जगह से हम बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा यूज आ जाता है और काउंटिंग भी हमारा सही तरीका से इसमें शो करता है। इसीलिए मैं ये चाहता, तो मैं ये ग्राइंडर मशीन हटाकर यहाँ पे मोटर फिट कर सकता था, लेकिन फिट ना करने का कारण यही है कि हमको ये जगह का यूज करना है। ताकि हमारा कोई भी कॉइल बांधने का आ जाए, आसानी से मैं इसमें बना सकूं। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अभी तक इस मशीन में पेंट नहीं किया हूं, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें कौन सा लोहा लगा हुआ है। नहीं तो मैं कब का इसमें पेंट लगाकर ये आपको दिखा सकता था, लेकिन ये आपको खुद समझ में आ जाए कि ये इसमें कौन सा लोहा लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप भी अगर नया मशीन तैयार करते हैं तो आरओ का मोटर लगा देते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक का मशीन बन जाएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।